बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। प्रेगनेंसी में सबसे पहला क्या होता है कि आप इस चीज़ का वेट करते हो कि आपको कौन से सिम्टम्स जल्दी दिख रहे हैं, लेकिन कई बार सिम्टम्स तो दिखते हैं, आप उस पर गौर नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप वेट करते रहते हो, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे और आपके मन में बस यही चल रहा हो कि उल्टियाँ होना, चक्कर आना, मतली जैसा लगना, यही सिर्फ एक प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और कोई लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन कई एक छोटी सी छोटी चेंजेस भी प्रेगनेंसी में होती है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है या फिर कोई एडवाइस ये नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने हेयर ग्रोथ के बारे में सुना होगा, हेयर फॉल के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसे आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, हेयर ग्रोथ भी होना शुरू हो जाता है। अब आपके सिर के बाल कितने बढ़ रहे हैं आपको तो पता नहीं चलेगा, यानी कि अगर एक आध इंच दो इंच बढ़ भी जाते हैं उस महीने तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही हेयर ग्रोथ अगर आपके शरीर के किसी ऐसे अंग में होगा जहाँ पे जल्दबाजी दिख रही है, जल्दी हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपके आईब्रोज हुए, यानी कि आईज़ के ऊपर के हेयर हुए, तो वो आप अपने आईब्रोज कितने दिन में करवाते हो? कई महिलाएं बोलेंगी एक महीने डेढ़ महीने में वो आईब्रोज को करवाती हैं, लेकिन अगर आपके आईब्रोज 15 दिन 20 दिन में ही बढ़े नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन्स के असर के कारण हो रहा है। हार्मोन्स का ही कारण है कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगी है। फिर आप देखोगे वैक्सिंग के अगर पर्पज़ से कि आप अपने पैरों में, हाथों में, अंडरआर्म्स में वैक्सिंग कितने दिनों पर करवाते हो, अब देखोगे कि वहाँ के भी जो हेयर हैं वो जल्दी बढ़ रहे हैं। तो हेयर ग्रोथ भी एक प्रेगनेंसी का अहम लक्षण होता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग बस ये बोलते हैं कि हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल शुरुआती दिनों में ही नहीं शुरू हो जाता है, हेयर फॉल तभी होगा। जैसे कि कई महिलाओं को हेयर फॉल की समस्या होती है, तो दो महीने तीन महीने में अगर उनका पोषण सही से नहीं ले रही हैं, वो पोषक तत्व नहीं ले रही हैं अपने शरीर में, तो उनको हेयर फॉल दिखेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपके सिर के बाल जो हैं हेयर फॉल हो, लेकिन हेयर ग्रोथ भी आपको दिखना है उन अंगों में, कि आपके पैरों के बाल, आपके हाथों के बाल, आपके आईब्रोज, आपके अंडर आर्म्स के हेयर वो कितने जल्दी बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये प्रेगनेंसी का ही लक्षण होता है, प्रेगनेंसी के कारण होता है। प्राइवेट एरिया में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा, तो इस पे गौर कीजिए, आईब्रोज पर गौर कीजिए कि आपके हेयर ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है। जो पहले इतने दिनों में बढ़ा करते थे, अब बहुत जल्दी क्विक हो जा रहा है। ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मुझे दिखे हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये दिखते हैं या नहीं। धन्यवाद।